वही सूरत, आंखों में वही तेज, हम देवी प्रसाद हैं। छोटे मामा, यह भी ज्ञान शंकर का हुक्म था कि हमें अंदर नहीं आने देना। नहीं छोटे मामा, मैं तो खुशी के मारे भूल ही गया था। मैं तो डर रहा था आप शायद मेरे ताक का भी जवाब नहीं देंगे। शिवानी कहाँ है? माँ की तबीयत जरा खराब है, मैं डॉक्टर को लेने जा रहा था। क्या हुआ? कोई खास बात नहीं है। माँ माँ देखो कौन आया है। भैया। छोटे हुजूर। भैया। शिवानी ये क्या हालत बना रखी है? क्यों भैया, छोटी बहन की याद इतने दिनों बाद आई? याद तो बहुत आती थी शिवानी, मगर आने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। ज्ञान शंकर हमसे झगड़ा करके जरूर चला गया था, मगर हमने सोचा था कि एक नए दिन सुलह जरूर हो जाएगी। मगर अफसोस कि ज्ञान शंकर ने हमें वो मौका ही नहीं दिया, पहले ही चल बसा। हम तो कभी ये सोच भी नहीं सकते थे कि तेरी ये उजड़ी हुई मांग हमें देखनी पड़ेगी। मामा जी ये बातें तो बाद में भी होती रहेंगी, चलिए आप हाथ में धोकर आराम कर लीजिए। जिंदगी भर वही तो करते आए हैं अजय, बस एक आखिरी फर्ज है, अगर उसे पूरा कर सके तो थोड़ी सी शांति मिलेगी। और वो फर्ज क्या है शिवानी तुम अच्छी तरह से जानती हो। अगर आते वक्त दरवाजे पर जो नजर आया वो ज्ञान का प्रतिबिंब था। डर लगता है कि कहीं मायूस होकर न लौटना पड़े। मामा जी हमें अपनी बात खत्म करने दो अजय, हमें मालूम है तुमको तुम्हारे पिताजी का क्या आदेश है, मगर अब वो जमींदारी कुछ नहीं रही। हमने जज्बात में आकर ये बात जरूर लिखी थी कि ये ज्ञान शंकर का अभिशाप है, सिर्फ ज्ञान शंकर का नहीं, ये सदियों से जमा हुआ लाखों गरीबों का श्राप था, और ये होना ही था। आज सब कुछ खोकर सरकार से थोड़ा सा कंपनसेशन तो जरूर मिला, जिसमें आधा हिस्सा सरजू का था, उसने उसे ऐशो आराम में उड़ा दिया, यहां तक कि रहने की कोठी के आधे हिस्से की कीमत हमसे लेकर उसे भी खत्म कर दिया। अब उसकी नजर हमारे हिस्से पर है जो तुम्हारी अमानत है बेटे, अगर तुम उसे स्वीकार नहीं करोगे तो हम जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। अगर एक बात है बेटे, हमें बहुत बड़ा दुख पहुंचेगा जिसका बोझ शायद मरने के बाद भी हमारी आत्मा पर रहेगा। देखो बेटे, हर नेक औलाद अपनी मां बाप की आत्मा की शांति के लिए बहुत कुछ कुर्बान करती है। हमारी तो कोई औलाद नहीं है, तुम ही हमारी औलाद हो। मां जी। अजय मैं तुम्हारी मां हूं, मैं तुमसे कहती हूं मामा का यह ममता भरा स्नेह दान स्वीकार कर लो, इसमें तुम्हारे पिता का थोड़ा सा भी अपमान नहीं होगा। मामा के स्नेह दान को लेकर अपनी मेहनत और सच्चाई से उसे 10 गुना बढ़ाओ और सुंदरगढ़ के लाखों गरीब इंसानों की भलाई के लिए उसे लगा दो। हाँ अजय, बरसों से जिन लोगों से हम छीनते आए हैं, हमारी औलाद बनकर जितना हो सके उनका हक उन्हें लौटा दो। और हम कहते हैं इसमें सबसे ज्यादा शांति ज्ञान शंकर की आत्मा को मिलेगी। माँ जी अजय बेटे